नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। सो फैमिली, ये मेरा ससुराल में पहला ब्लॉग है, क्योंकि मैं वैसे सारे मेरे ब्लॉग दिल्ली से थे, मैं दिल्ली से ब्लॉग बना रही थी और अभी मैं ससुराल आ गई हूँ। तो ये मेरे ससुराल का मतलब पहला दिन है जो कि मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ। और फिर सुबह सुबह क्या होता है कि छोटी नंद जा रही है कहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। दरअसल बात ये होता है कि बड़ी वाली नंद जी का तबीयत ख़राब होता है बिकॉज सी इज़ प्रेग्नेंट, तो इसलिए इमरजेंसी में उनको जाना पड़ता है और फिर वो नाश्ता पानी करके चली जाती हैं। इसके बाद हम लोग भी नाश्ता पानी करते हैं और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग जाते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे एल्विस को भी हम नहला देते हैं, फिर खुद भी नहा लेते हैं, फिर यहाँ पे एल्विस का देखो मालिश एक्सरसाइज हो जाता है। इसके बाद एल्विस करते हैं आराम और जब वो सो जाते हैं तो हम सोचते हैं लाओ अब हम भी जल्दी जल्दी घर का काम कर ले ख़त्म, क्योंकि अभी तो हम अकेले हैं। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ अपना घर का काम, थोड़ा सा किचन मतलब ये फ्रिज है थोड़ा सा उसको भी करती हूँ साफ। और इसके बाद यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को करती हूँ खाली धोने के लिए। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा पपी आया होता है जिसको सौम्या दे रही हैं रोटियाँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। यह है हमारा आंगन और आंगन में बर्तन धोया जाता है क्योंकि किचन अभी मतलब पूरा प्रॉपर बना नहीं है इसके लिए। और गाइस, ये हमारे घर का स्पेशल बच्चा है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हम लोग का पोता है। तो ये मुझे ना दादी कहता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये पहला बच्चा है जिसे मुझे दादी कहता है, उसने मुझे दादी का सर्टिफिकेट दिया है। जो बड़ी जेठानी जी हैं उनका पोता है ये। ये है हमारा ससुराल, तो अभी हम जा रहे हैं फॉर्म भरवाने शॉप पे और मैं जा रही हूँ देवर। और यहाँ पे ये हैं जो मतलब छोटे देवर लगेंगे जो चाची जी हैं उनके बच्चे हैं, तो ये हमें लेके जाते हैं दुकान पे, क्योंकि क्या होता है घर पे कोई होता नहीं है, सोम्या के डैडी भी नहीं होते हैं, इसलिए कुछ फॉर्म भर आ रहा होता है तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है इमरजेंसी में। बाकी इसके बाद देखिए यहाँ पे शाम के समय सोम्या के डैडी घर पे आते हैं, तो ये सब लोग कर रहे हैं मस्ती। देखिए कितना खुश होते हैं। और इसके बाद सोम्या कहती हैं हम भी डांस करेंगे, तो ये खुद ही गाना गा के अपना डांस कर रही हैं। और इसके बाद यहाँ पे हो जाती है शाम और हम लोग ऐसे करते हैं मस्ती। और फिर इसके बाद अभी ननद जी को बेबी होने वाला है, बाकी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि उनको क्या हुआ है। हाँ, तो अब तक आप करिए इंतज़ार और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखना। और अगर मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। हेलो फैमिली, ये हमारे डुब्बू जी हैं जो कि गाइस के लिए बेड पे से गिर गए थे और अभी तो नहीं, कल लगाए थे इनके सर पे हम। सो गाइस, यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना ब्लॉग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।